हम लोग काजू भाई की कट ऑफ 82% कैसे जा सकते हैं। तो हम लोगों का ये मांग है, हम सभी लोगों का रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, और जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है हम लोग इसी तरह चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। और जरूरत पड़ी तो हम ये बताना चाहते हैं आपके मीडिया से कि बच्चे इतने आक्रोशित हैं कि हम लोग पूरे देश में इसका जाम करेंगे। मेरा नाम इंजीनियर सुष्मिता कुमारी है और मैं अभी तकरीबन सारे जो सारे लोगों के बच्चे के कॉन्टेक्ट में हूँ, सब लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और हम लोग सब को हम लोग चाहते हैं कि हमें डिमांड हमारा पूरा हो। फ्रेंड है जो कि आरआरबी जेई में अपीयर हुए थे और हम लोग सीबीटी 1 एग्जाम दिए हैं, जिसके बाद आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन कट ऑफ क्लियर किया जाता है, जिसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है और जिसके नोटिफिकेशन में क्लियर आरआरबी मेंशन किए रहती है कि उसका कट ऑफ बिल्कुल स्क्रीनिंग नेचर का होगा और जिसका कट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो स्टूडेंट क्रॉस करता है उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आरआरबी की तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, उनके तरफ से सीबीटी 1 का कट ऑफ 82 के आसपास चली जाती है। इसलिए हमारा डिमांड है कि हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो जो स्टूडेंट क्रॉस किए हैं उन्हें सीबीटी 2 के लिए मौका दिया जाए। हम पाँच साल से लोग आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम इंजीनियर्स हैं, हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए नॉन टेक्निकल जो सीबीटी 1 था वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल था, तो उसमें आरआरबी हम इंजीनियर्स को कैसे जज कर सकती है? आप जिसका कट ऑफ 80-70 चले जाए हम उसमें कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? तो इसलिए हमें आरआरबी से रिक्वेस्ट है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को मौका दिया जाए जो स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पास किए हैं, क्रॉस किए हैं, क्योंकि इससे पहले भी एएलपी का जब एग्जाम हुआ था, एएलपी टेक्नीशियन 01/2018 का नोटिफिकेशन का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग
स्टूडेंट की संख्या को बढ़ाया गया था जिसमें 15 टाइम्स स्टूडेंट पास कराया गया था, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड के बाद उसे बढ़ाकर 20 टाइम्स कर दिया गया और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे उनको पास कराया गया था। इसलिए हमारी डिमांड है, जब एलपी और टेक्नीशियन के साथ ऐसा किया जा सकता है तो हम इंजीनियर्स के साथ क्यों नहीं किया जा सकता। और दोनों एग्जाम टेक्निकल है और दोनों एग्जाम का CBT 1 सेम था, दोनों ही एग्जाम के CBT 1 नॉन टेक्निकल बेसिस पे था। इसलिए हमारी RRB से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को मौका दिया जाए ताकि हम CBT 2 में बैठ सके और अपने टेक्निकल प्रतिभा को दिखा सके, यही हमारी मांग है। एक्चुअली हमारे साथ और जितना भी इंजीनियर्स है सबके साथ अनफेयर हो रहा है। अनफेयर कैसे हो रहा है, जैसे मैक्सिमम इंजीनियर्स टेक्निकल का पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टेक्निकल का क्या है, गेट सबसे बड़ा है, IES सबसे बड़ा है, इसमें जो टेक्निकल फील्ड में हम लोग जॉब करते हैं तो वहाँ पे जो PT क्लियर है, जो जो अच्छा अच्छा नंबर लाए हैं वो भी CBT 1 में इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों, रीजन क्या है? इसका रीजन है कि CBT 1 जो कि नॉन टेक्निकल बेसिस पे मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसके भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ किया हुआ है। फिर कोलकाता में कुछ पोस्ट में 80% भी किया हुआ है, जबकि यही वाला केस RRB KLP में भी हुआ था, तो उस टाइम रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था। तो हम लोग इंजीनियर्स के साथ अनफेयर क्यों हो रहा है, क्या डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड भी वही है कि LP के साथ भी हुआ जैसा ये रिजल्ट। हेलो, माय नेम इज रंजन कुमार कुशवाहा। आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जेंट। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बढ़न। आफ्टर दैट आई हैव विथ माय जॉब आई हैव कंप्लीटेड माय BTech फ्रॉम SRCT भोपाल। आई एम हियर टू टॉक टू अबाउट RRB JEE CBT 1 रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ आउट ऑफ दिस मैं ये कहना चाहता हूँ अपार्ट ऑफ दिस कि मुझे एक ऐसा एग्जाम बता दीजिए जिसमें एक इंजीनियर को प्योरली नॉन टेक के बेस पे डिस्क्वालीफाई किया गया हो, वो भी 80% 70% कट ऑफ लेकर के। जैसे हो गया NTPC हो गया, बेल हो गया, NTPC बेल हो गया, सेल हो गया, गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, ये सारे एग्जाम है जिसमें एबव 70% किसी भी टेक्निकल स्टूडेंट के यदि को वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो वो 80% से एबव टेक्निकल 70% से एबव टेक्निकल क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड कराते हैं। मैं जनरली ये कहना चाहता हूँ, जो RRB JEE का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था कि फर्स्ट एग्जाम इज गोइंग टू कंडक्ट ओनली टू चेक योर बेसिक नॉलेज इन नॉन टेक्निकल। बेसिक नॉलेज दैट मीन्स यू कांट से 80% कट ऑफ, 80% कट ऑफ, 85% कट ऑफ, 75% कट ऑफ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि इस एग्ज़ाम में आफ्टर गेटिंग 70-75 नंबर, 72 नंबर, 65 नंबर, 67 नंबर, दे हैव डिसक्वालीफाइड, बट इन द नोटिफिकेशन मेंशन डैट दिस एग्जाम इज गोइंग टू कंडक्ट ओनली चेक योर बेसिक नॉलेज, इट इज दिस एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को एक कोई भी ऐसा एग्जाम बता दो जिसमें आपने दोबारा रिजल्ट जारी ना किया हो, या फिर आप कोई मतलब कि प्रॉब्लम ना आई हो आपको। जैसे ALP हो गया, ALP में आपने चाहे फर्स्ट पेपर कराया चाहे सेकंड पेपर कराया, हर बार दो बार आपने रिजल्ट दिया। क्यों? क्योंकि आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता सर कि मैं, मुझे पता है कि मैं आपसे मतलब कि आप जिस पोस्ट पर हैं उससे मैं बहुत नीचे हूँ, लेकिन मैं जो हमारी फीलिंग है मैं वो बता रहा हूँ सर। हम लोग सर गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, टेक्निकल नॉलेज मोर टेक्निकल नॉलेज हम लोग 4 साल टेक्निकल में एक्सपेंड किए हैं। मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ सर जो BTech के बाद वो टेक्निकल में यदि उनका मन नहीं लगा तो वो नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यदि आप टेक्निकल स्टूडेंट को रिक्रूट कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप एक नॉन टेक्निकल का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं तो एक उसकी बेसिक नॉलेज ही चेक करेंगे। बेसिक नॉलेज का मतलब तो ये नहीं होता 70, 75, 80। बहुत सारे ऐसे बहुत जगह पे ऐसे हैं जहाँ पर 80 कट ऑफ चला गया है, कहीं पे ऐसे हैं जहाँ पर 55 कट ऑफ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात, मैकेनिकल पोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सिविल पोस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 72 नंबर पाने के बाद, 72 नंबर पाने के बाद भी डिस्क्वालीफाइड है। तो मैं सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने ALP में मिनिमम
मिनिमम पे आपने रिक्रूट फर्स्ट एग्जाम में सबको सेकेंड सीबीटी के लिए आने दिया था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस एग्जाम में भी आप वही कीजिए, 40% पे क्वालिफाई करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इवन दोज थिंक अबाउट दोज स्टूडेंट दे हैव गॉट एबव 60 नंबर, एबव 55 नंबर, दे आर गुड इन इनफ इन देयर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, दे हैव क्वालिफाइड गेट, दे हैव क्वालिफाइड प्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। कम से कम उनके बारे में सोचिए। यदि आपको एक आप टेक्निकल यदि आप टेक्निकल पोस्ट को रिक्रूट कर रहे हो, टेक्निकल पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हो, टेक्निकल वर्कर सीज तो आपको चाहिए सर। जो गेट में 65 70 लाने के बाद भी इसमें डिसक्वालिफाइड हैं आज, आपके एग्जाम के पैटर्न की वजह से। आपने बोला था हमें हम लोग पहले ही इस बारे में बात करते, हम लोग पहले ही इस बारे में बोल दिए होते, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप इसमें कट ऑफ डिसाइड करने जा रहे हो, इसमें आप एक 80% का कट ऑफ डिसाइड करने जा रहे हो। और 80% को क्रॉस करने का मतलब है सर कि वो 80% वही बंदा लाएगा, 80 के अबव क्रॉस करने का मतलब है 80 वही बंदा लाएगा जो हमेशा नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहा है। एक टेक्निकल तैयारी करने वाले जैसे SSC CGL बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, टेक्निकल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट कभी भी 85-80 नहीं लाएगा, क्योंकि आपने 55 का ही रीजनिंग एप्टीट्यूड दिया था, उसमें कॉमन सेंस से केवल 55 नंबर ही सॉल्व किए जा सकते हैं, बाकी सब रट्टा फिकेशन ही है। थैंक यू। मैं एक बार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं RRB JEE के एस्पिरेंट हैं, प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सोचिए और हम लोग के लिए सोचिए, जो गेट क्वालिफाई है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री निकाल के बैठे हुए हैं, जो एक नंबर इवन 0.5 नंबर से छट गए हैं, थिंक अबाउट डैट। आपको टेक्निकल पोस्ट की स्टूडेंट चाहिए तो प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। और टेक्निकल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, जिनकी टेक्निकल नॉलेज आसमान को छूती है। दे हैव गॉट इवन IIT इंक्लूडिंग मी फ्रॉम गेट स्कोर। प्लीज़ थिंक अबाउट दोज पीपल। आपको एक यदि आप 50 नंबर के ऊपर एक्यूरेट 50 नंबर के ऊपर यदि स्टूडेंट को उठाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपको एक अच्छा टेक्निकल नॉलेज रखने वाला एक आपको स्टूडेंट मिल जाएगा, क्योंकि आप एक टेक्निकल पोस्ट के लिए आप एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। थैंक यू। एक बार हमारे बारे में सोचिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 6 दिन से लगे हुए हैं, लेकिन आप उनकी जरा से भी नहीं सुन रहे हैं। और मैं पीयूष गोयल सर से बोलना चाहता हूँ, सर प्लीज़ हम लोग के बारे में सोचिए थोड़ा सा। हम लोग टेक्निकल की तैयारी करते हैं, नॉन टेक्निकल की नहीं। टेक्निकल में हम लोग गुड इनफ हैं, नॉन टेक्निकल में नहीं। जो रेगुलर नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहा है सर, केवल वही 80 एवव 70 एवव कट ऑफ ला सकता है। थैंक यू।